हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ टाहत एंड आई वेलकम यू बैक टू आवर चैनल सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर व्हिच इज़ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस जब आप वर्ड सुनते हैं जीनियस तो आपके मन में किसका ख्याल आता है सोचिए मेरे मन में किसका आता है मैं बताती हूं अल्बर्ट आइंस्टाइन एलबर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन फोर्टीन सेवन उनका बर्थ कहाँ हुआ था जर्मन सिटी में हुआ था इन जर्मन सिटी ऑफ उर्म हर मदर था उनके मदर को लगता था कि उनका जो बेटा है वो थोड़ा सर फिरा है एट द एज ऑफ टू एंड हाफ ही वॉज एन स्टिल टॉकिंग मतलब ढाई साल का बच्चा अभी भी मुँह से कुछ बात नहीं कर रहा था तो उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरिड थे कि मेरे बच्चा बात क्यों नहीं कर पा रहा है When he learnt, he uttered everything twice. और जब उन्होंने बोलना सीखा तो हर एक बात वो दोहराने लगे हर एक शब्द वो दोहराने लगे प्लेमेट जो मतलब प्लेमेट मतलब जिनके साथ वो खेलते थे उनकी बिल्डिंग आस पास नेबरहुड के बच्चे वो उन्हें क्या बोलते थे ब्रदर बोरिंग <laughs> लव्ड मैकेनिकल टॉयज किसको मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे एल्बर्ट आइंस्टाइन को एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे फादर दैट प्रोफेशन सन माई टेक ही वॉन्ट गेट एनी सक्सेस हेड मास्टर मतलब कि उनके जो स्कूल का हेड मास्टर था उन्होंने एलबर्ट आइंस्टाइन के पापा को बोल दिया था आपका बेटा जो मर्जी प्रोफेशन ले ले उसको सक्सेस तो मिलने नहीं वाली

लेकिन उन्होंने स्कूल छोड़ दिया एट द एज ऑफ फिफ्टीन द प्रीवियस ईयर हिज पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट हिम विद देयर रिलेटिव्स तो उसने पिछले साल उनके स्कूल छोड़ने से एक साल पहले उनके जो पेरेंट्स थे वो कहाँ मूव हो गए थे मिलान में और एलबर्ट आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव्स के पास कहीं छोड़ दिया था गॉट इज़ विश टू कॉन्टिन्यूज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड और एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो विश थी कि उन्हें अपनी एजुकेशन कहाँ कॉन्टिन्यू करनी है स्विट्ज़रलैंड में उसकी वो विश पूरी हो गई आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथेमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स वो बहुत ज़्यादा मैथ्स में अच्छे थे और फिज़िक्स पसंदीदा सब्जेक्ट था उनका स्टडीड एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक और जूरिक में किसी एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर और उनके साथ ही में एक लड़की पढ़ती थी उसका नाम क्या था मिलेवा मैरिक तो उन्हें लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर है और उनका इंटरेस्ट उसमें जागने लग गया फेल इन लव एंड रोट लेटेस्ट अदर मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस मतलब आपस में जब चिट्ठियाँ लिखते थे ना तभी वो चिट्ठियों में भी साइंस मिक्स करके एक बहुत ही अच्छी सी टेंडरनेस से वो अपने इमोशंस और साइंस को ब्लेंड करके एक दूसरे को देते थे इन नाइनटीन हंड्रेड एट द एज ऑफ ट्वेंटी वन मतलब जब इक्कीस साल के थे ही वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके थे और अनएम्प्लॉयड थे अभी तक उन्हें जॉब नहीं मिली थी वर्ड एज अ टीचिंग असिस्टेंट गिफ प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन नाइनटीन जीरो टू उन्होंने कैसे काम किया एक टीचिंग असिस्टेंट टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम किया प्राइवेट लेसेंस प्राइवेट ट्यूशंस भी दिए एंड फाइनली उसके बाद उन्हें जॉब मिल गई कब नाइनटीन जीरो टू में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न बर्न में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट वेल ही वॉज सपोज टू बी असैसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन आइनस्टाइन वॉज एक्चुअली डिवेल्पिंग हिस्स ओन आइडियाज इन सीक्रेट मतलब कि उस टाइम पे उन्हें क्या करना था बाकी लोगों की इन्वेंशंस को उन्होंने क्या करना था असेस करना था लेकिन उस टाइम पे आइंस्टाइन अपने खुद की एक सीक्रेट डेवलपमेंट में लगे हुए थे ही टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क एट द द वर्क ब्यूरी ऑफ थेटिकल फिजिक्स कई बार मजाक में अपने जो डेस्क को अपने ऑफिस में जो उनका डेस्क था उसे क्या बोलते थे ब्यूरी ऑफ थेल फिजिक्स वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ़ नाइनटीन ऑफ थीविटी ये तो आपने सुना होगा नहीं, नाइन्थ में हो आगे सुन लो तो उनका जो मोस्ट फेमस पेपर था वो क्या उनका था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जिन्होंने नॉन मेडिकल है ध्यान दे लो अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस वर नॉट एब्सल्यूट उसके अकॉर्डिंग जो टाइम और डिस्टेंस है वो एब्सल्यूट नहीं है मतलब कि उसकी एकदम एक्रेट वैल्यू नहीं है हमारे पास इंडीड टू परफेक्टलीट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर उसने बोला है कि इसके अकॉर्डिंग जो दो क्लॉक्स हैं परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स हैं वो भी सेम टाइम नहीं दिखाएंगी इफ दे कम टूगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी अगर उन्हें भी हम काफ़ी टाइम बाद दोबारा देखें इफ़ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर मतलब कि एक जो क्लॉक है वो बहुत तेजी से चलेगी एज कम्पेयर टू द अदर रिलेटिव का मतलब होता है इन कंपेरिजन टू फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी और उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक बहुत ही स्पेशल फार्मूला जो आजकल के साइंस की बेसिक चीज बन चुकी है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये आपको ज्यादा ध्यान से रखने की जरूरत नहीं है आगे पढ़ोगे आ जाएगा वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग मतलब कि जिस टाइम पे आइंस्टाइन इतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फिजिक्स की सॉल्व कर रहे थे उस टाइम पे उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो बिखर रही थी एल्बर्ट इट वॉन्टेड टू मेरे मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिस् स्टडीज मतलब अपनी स्टडीज फिनिश करने के बाद ही वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे बट इज मदर वॉज अगेंस्ट इट लेकिन उनके जो मदर थे वो उस चीज़ के अगेंस्ट थे

बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड मतलब कि कुछ सालों बाद उनकी जो मैरिज थी वो फिर से बिखरने लग गई जो मिली हुआ थी उसका इंटलेक्चुअल एम्बिशन ख़त्म हो रहा था एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ बहुत ही दुखी उदास अपसेट रहने लग गई आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग बहुत लगातार लड़ाइयों के बाद द कपल फाइनल डिवोर्स उनका डाइवोर्स कब हुआ नाइनटीन नाइनटीन में आइंस्टाइन ने लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद ही उसी साल में उनकी कजन से शादी कर ली उनकी कजन का नाम क्या है एल्सा इन 1915 ही हैड फिफ्टीन ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाइनटीन में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी जिसकी वजह से हमें ग्रेविटी का एक अलग एस्पेक्ट पता लगा न्यूज पेपर प्रोक्म इज वर्क एज अटिफिक रेवोल्यूशन जितने भी न्यूज पेपर्स थे उन्होंने उनका उन्हों वर्क कैसे प्रोक्लेम किया मतलब कैसे बताया पब्लिक को अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन

बर्लिन में उसकी वजह से जो अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे उन्हें एक अपरोर अपरोर का अपरो मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे एग्रेशन में आ गए थे जब न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई थी आइंस्टाइन रॉट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन सेकंड अगस्त 1939 थर्टी नाइन विच ही उन्होंने एक लेटर लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट को और क्या लिखा उनको वार्निंग दी अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप मतलब जब न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई ऐसे टाइप का एक भी बॉम्ब अगर एक्सप्लोड हो गया तो इसकी वजह से पूरा का पूरा जो पोर्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके आस पास की टेरिटरी भी हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू एन इफेक्ट मतलब कि उनके जो उनके जो शब्द थे लेटर में उन्होंने जो लिखा था वो फेल नहीं हुए जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था उसने उसे कंसिडर किया और जो अमेरिकन थे उन्होंने क्या कि एक किया? एक अटोमिक बॉम्ब डेवलप किया इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप डेड हाँ जापानी सिटीज़ कौन सी हिरोशिमा और नागासाकी पे वो जो बॉम्ब्स थे वो फेंकते हैं इन ऑगस्ट 1945 में आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन जो आइंस्टाइन था जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई थी जापानी जापान के दोनों सिटीज में आइंस्टाइन को उस डिस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था उनके माइंड पर दिस टाइम ही रूट अ पब्लिक मिस टू द यूनाइटेड नेशन इस टाइम पर उन्होंने यूनाइटेड नेशन्स को एक लेटर लिखा और उन्हें अपोज़ किया उस लेटर में क्या लिखा द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट मतलब एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ अनलाइक द लेटर अब रूसवेल का लेटर था उन्होंने तो इम्पैक्ट डाला था उसके ऊपर ठीक है बट ये वाला लेटर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया था बट ओवर पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे एजुटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप एंड यूजिंग टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी और क्यों वो पॉलिटिक्स में डर्ज हो रहे थे ताकि वो अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर पूरे वर्ल्ड में

साइंटिफिक जीनियस तो वो थे ही लेकिन उस टाइम पे उन्हें विजनरी के विजनरी होता है जो बहुत आगे तक का सोच कर कुछ काम करता है सो दिस वॉज द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड नाउ लिट स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड दिस ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन आइंस्टाइन के बारे में ये ओपिनियंस किस किस के थे ही वॉज बोरिंग बोरिंग किसने बोला था उनके प्लेमेट्स उनको कंसिडर क्या करते थे बोरिंग ब्रदर वो स्टूपेड एंड वु इन लाइफ ये जो बच्चा है बहुत ही स्टूपड है और लाइफ में कोई भी प्रोफेशन अपनाए वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला ये किसने बोला था आइंस्टाइन के टीचर ने ही वो फ्रीक वो थोड़ा सर फिरा है आइंस्टाइन की मदर एक्सप्लेन व रीजन फॉर द फॉलोइंग स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड आइंस्टाइन ने म्यूनिक में स्कूल क्यों छोड़ दिया था म्यूनिक स्कूलिकाइन को वो जो रिस्ट्रिक्ट करने वाला एनवायरनमेंट था उसके स्कूल में वो बिल्कुल पसंद नहीं था ऑलवेज आर्ग्यूड विद टीचर्स हमेशा टीचर्स के साथ वो लड़ते रहते थे हज माइंड वॉज नॉट मेड फॉर द नॉर्मल स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन एनवायरमेंट उनका जो दिमाग था वो किसी नॉर्मल स्ट्रिक्ट और डिस एनवायरमेंट के लिए बना ही नहीं था सो लिव द स्कूल टू इन्जॉय हिज इंडिपेंडेंस इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ा ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस इंजॉय कर सके सो द नेक्स्ट पार्ट इज आइंसटाइन वॉन्टिंग टू स्टडी इन स्विटरलैंड राधर देन इन म्यूनिक आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड में क्यों पढ़ना चाहते थे और म्यूनिक में क्यों नहीं स्विट्जरलैंड वॉज मच मोर लिबरल देन म्यूनिक जो स्विट्जरलैंड था वो काफी ज्यादा लिबरल था एज कंपेयर टू म्यूनिक सो यू वॉन्टेड टू स्टडी इन स्विटरलैंड उनको अपनी इंडिपेंडेंस ज्यादा प्यारी थी तो इसलिए वो स्विटरलैंड में पढ़ना चाहते थे आइंस्टाइन सींग इन मिलेवा एंड एली आइंस्टाइन को मिलेवा के अंदर अपना एक पार्टनर अपना एक कंपेनियन दिखता था ऐसा क्यों मिलेवा वॉज जस्ट ऑपोजिट टू आइंस्टाइन पेरेंट्स टू मिलेवा थी आइंस्टाइन के पेरेंट्स से एकदम थी शी यूज टू अप्रिशिएट आर्ट इन फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ वो जो आर्ट है और जो अच्छी छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ की वो उसे अप्रिशिएट करती थी आर्ट म्यूजिक पोइट्री ट मैश्ड विद डेट ऑफ आइंस्टाइन उनका जो माइंड सेट था वो आइंस्टाइन से एकदम जुलता था so इसीलिए आपको क्या बताती है आइंस्टाइन को फ्रीडम बहुत पसंद थी लिबरल और कल्चर्ड पर्सन थे वो वट डिड आइंस्टाइन कॉल इज डेस्क ड्रॉर एट देटेंट ऑफिस एंड वाई आइंस्टाइन का जो डेस्क ड्रॉर था उनके पेटेंट ऑफिस में उसे वो क्या बोलते थे और क्यों आइंस्टीन क्या बोलते थे अपने पेटेंट ऑफ ऑफिस के डेस्क ड्रॉर को जोकिंगली ब्यूरो ऑफ थ्रेटिकल फिजिक्स और ऐसा क्यों क्योंकि अब उस ड्रॉर के अंदर वो अपने सारे के सारे जो सीक्रेटली डिवेल्प आइडियाज थे वो उसे वहां रखा करते थे बिकॉज द ड्रॉर वॉज वेयर ही केप्ट ऑल इज सीक्रेटली डिवेल्प्ड आइडियाज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रेंकलीन रूजवेल्ट आइंस्टाइन ने फ्रेंकलीन रूजवेल्ड को लेटर क्यों लिखा

हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्ब गिरे थे जापानी सिटीज़ पे जो बॉम्ब गिरे थे उसके पर आइंस्टाइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था जब वहाँ की डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी डीन बाय द डिजास्टर क्या था डिजास्टर डिजास्टर की वजह से ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था और उन्होंने क्या किया ही प्रपोज दर्ल्ड गवर्नमेंट टू स्टॉप दियर वेपन और एक प्रपोजल uh, भेजा यू एन को कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाए ताकि जितने भी न्यूक्लियर वेपन है उसकी वो क्या कर सके उसकी फॉर्मेशन को वो बंद कर सके स्टॉप कर सके वाई डिमेम्बर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्डन जो वर्ल्ड है वो आइंस्टाइन को इज अ वर्ल्ड सिटीजन क्यों रिमेंबर करता है बिकॉज ही वॉज अ जीनियस साइंटिस्ट ये अब तक आप लोग को पता लग गया होगा एफर्ट्स टूवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी और उनके जो एफर्ट्स से वर्ल्ड में पीस और डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड विल मीट द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर